नमस्कार दोस्तों, कल से जिनके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं आपको बेस्ट विशेस। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बस अब अपना बेस्ट दीजिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। दो तीन मिनट में जल्दी से तीन चार चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो देखो, क्वेश्चन पेपर जब आप अटेम्प्ट करो उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कीजिएगा जो आपको अच्छे से आते हैं। इस प्रकार से नहीं, सिक्वेंस वाइज कि पहले पहला क्वेश्चन किया, फिर दूसरे नंबर वाला, फिर तीसरे नंबर वाला, फिर चौथे नंबर वाला, नहीं इस प्रकार से नहीं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी ने अजीब पूछ लिया, तीसरा क्वेश्चन अजीब पूछ लिया, थोड़ा सा आइडिया है आपको। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तो जरूर करना चाहिए जिनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया है लेकिन क्वेश्चन अजीब है। लेकिन लास्ट में, शुरुआत में एनर्जी नहीं हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए इन क्वेश्चंस में। शुरुआत में अपनी स्ट्रेंथ पर एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए। दूसरा, टाइम पर आपका फोकस जरूर होना चाहिए। हर एक आंसर लिखने के बाद और आंसर के बीच में भी अगर घड़ी पर नज़र आती है तो अच्छा है। इससे दिमाग कॉन्शियस रहता है कि एक क्वेश्चन में इतना मुझे टाइम इन्वेस्ट करना था लेकिन मैंने टाइम फालतू ले लिया है या फिर मेरा क्वेश्चन जल्दी हो गया है, तो उतना टाइम बाकी क्वेश्चंस के साथ किस प्रकार से एडजस्ट होगा। तीसरा, भावनाओं में बहने की आवश्यकता नहीं है, इमोशनली इंटेलिजेंट रहने की आवश्यकता है। क्या मतलब है इस चीज़ का? देखो, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। मान लीजिए दो तीन क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, इवन आप ऐसे भी लिख सकते हो उन क्वेश्चंस के ऊपर। काफ़ी बार हो क्या जाता है, ऐसे क्वेश्चंस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, 40 मिनट 45 मिनट, क्योंकि कंटेंट हमारे पास काफ़ी था लिखने के लिए। वैसे तो देखो स्पेस लिमिटेड होता है, लेकिन फिर भी हम कैसे ना कैसे करके एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और वो क्वेश्चंस जो हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से आते हैं ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम हम इन्वेस्ट कर देते हैं। ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर कम समय बचता है बाकी क्वेश्चंस के लिए। तो भावनाओं में बहने की आवश्यकता नहीं है। इवन देखो, काफ़ी बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो हमसे अच्छे से नहीं हो पाते। क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट किया लेकिन फील आ गई यार ये क्वेश्चन अच्छा नहीं हुआ, तो आप उस समय बिल्कुल सोचिएगा मत कि क्वेश्चन मेरा अच्छा नहीं हुआ, शायद मेरा पेपर अच्छा नहीं जा रहा है। बस कुछ नहीं, अपना बेस्ट देते रहो। हर एक क्वेश्चन एक नई बैटल है। पिछले क्वेश्चन का इंप्रेशन अपने अगले क्वेश्चन के आंसर में मत आने दीजिए। इसीलिए मतलब भावनाओं में बहने की आवश्यकता नहीं है। और देखो, पेपर के बाद भी काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है, मेरा ये पेपर अच्छा नहीं हुआ, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं अच्छे से नहीं दे पाया या फिर कुछ क्वेश्चंस छूट गए। ये सब चीज़ें देखो किसी एक पेपर के बाद बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि काफ़ी बार हमें जो लगता है कि ये पेपर ख़राब अटेम्प्ट हुआ, जब रिजल्ट आता है तो उन पेपर्स में बल्कि अच्छे मार्क्स होते हैं और ओवरऑल स्कोर पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। लेकिन मूड जो ख़राब होता है उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है आने वाले पेपर्स पर। तो इमोशनली बिल्कुल आप इंटेलिजेंट रहिएगा, सिर्फ अपना बेस्ट दीजिए। और लास्ट चीज़, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, ये लाइफ का पार्ट है, लाइफ नहीं है। एक बार फिर से आपको गुड लक, अच्छे से आप अपने पेपर दीजिएगा। थैंक यू।